झुंझुनू जिले में कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण लगातार तीव्र गति से फैल रहा है। ग्रामीण अंचल भी अब कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में आने लगा है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या है छोटे बच्चों की। इसी को लेकर आज हमने बातचीत की है खेतड़ी के अजीत चिकित्सालय के डॉक्टर संजय सैनी से। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बड़ा उपाय है, इसी से बचा जा सकता है। उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको बताते हैं। राज्य सरकार के अनुसार और हम भी देख रहे हैं कि तृतीय लहर की तरफ कोरोना जा रहा है, और इसके लिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार की वैक्सीन की सुविधाएं अलग अलग आयु के वर्ग के लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। इसमें बूस्टर लगाने की भी योजना है, और जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग गए हैं उनको 39 वीक्स के बाद में बूस्टर लगना है। 60 साल से ऊपर वालों को भी लग रहा है, 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी लग रहा है, और जिनके नहीं लगी उनको भी लगाना है। पर लोगों में बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ ये है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबको अपनी दोनों डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, और बूस्टर लगाना भी ज़रूरी है। इससे बचने का कारगर उपाय और कोई नहीं है। बूस्टर लगवाना, वैक्सीन लगवाना सबसे बड़ा इसका बचाव का साधन है। और उसके बाद अपने आप को बिना वजह घर से बाहर न जाएं, बार बार हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, और अनर्गल प्रतिष्ठानों में, बाज़ारों में, शादी ब्याह में बहुत ज़रूरी पर ही जाएं, न जाएं। ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रकार की बातें हम पब्लिक को बताते हैं, लोगों की भ्रांतियाँ हम उनको दूर करते हैं। तीसरी लहर आ जरूर गई है, पर उसके परिणाम इतने ज़्यादा अभी नहीं हो रहे हैं, पर इससे अगर हम पहले से ही सावधानी बरतेंगे तो उससे हमें बचा जा सकता है।